क्या ये वीडियोस फेक हैं? क्या फेक तो नहीं है, मुझे आप यही है। दिखा सकते हैं वीडियो? ओहो, मैच लीव कर दो, ये क्या गश्ती के साथ बैठे हुए, गश्तियां 150-150 रुपए बिकने वाली, मैच लीव कर दो। इनकी माँ को चौदो बहन जो की कुत्ती देता। माँ की बच्ची है। केटू का दूसरा नाम क्या है? केटू का दूसरा नाम क्या है? पहाड़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों वैसे तो सारी दुनिया ही सोशल मीडिया और कैमरे से तंग आ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ ये बेगैरती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लोग मशहूर होने के चक्कर में कैमरे पर आकर अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे करते हैं और बाद में इन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव कैमरे पर रिकॉर्ड होने वाले कुछ फनी और इंसल्टिंग मोमेंट्स दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों गलत कामों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, मनाहिल मलिक के साथ भी यही हुआ। अब इसका एक ही कारनामा सामने आ रहा है। राजी भाई शादी में कर भी लेता, जी जी इसने कोई बंदा छोड़ा हो तब ना। ज्यादा मुतासरीन हजरात मेरे पास आए हैं जिनके पास जनाब औरों की वीडियोस हैं और ये उनसे पैसे लेके फ्रॉड कर चुकी हैं, चीटिंग कर चुकी हैं, झूठे कुरान उठा चुकी है, झूठे कुरान के उठाने की वीडियोस मेरे पास हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या ये वीडियोस फेक हैं? ये नहीं, फेक तो नहीं है। क्या मुझे आप दिखा सकते हैं वीडियो? वाह क्या सीन है। कितनी अमाउंट है? तकरीबन शादी के डिवोर्स कर रही थी, थोड़ी सी साइको है, पागल है। यही नहीं, इस बंदे के पास अभी भी स्टॉक में 40+ वीडियोस मौजूद है। पता नहीं ये लोग क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं। या अनगिनत है, कोई पता नहीं यार। जब मिलते थे वीडियो बना लेते थे, इसमें क्या बात है यार। यानी कि अगर आपका फोन जो है वो खुदा ना खास्ता हैक हो जाए तो क्या इसके अलावा और भी लोगों की हैं वीडियोस? या वो... मेरा फोन तो इसमें कुछ नहीं, मेरे फोन में तो पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं, हैक हो जाए। एक वीडियो पर्सनली खुद नहीं बनाई है? नहीं मेरे मोबाइल में है नहीं, वो तो मिनाहिल के मोबाइल में ही है, वही बनाती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब जरा इस छपरी टिकटॉकर को भी देख लेते हैं। इन्होंने रोने के लिए भी बंदे रखे होते हैं, यानी भीख मांगने के लिए भी इन्हें एक्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। आप लोगों से अपील है कि अली हैदराबादी का अकाउंट ओपन कर दे प्लीज। मदद। चले एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। दोस्तों हमारे टिकटॉकर्स की इन्हीं हरकतों की वजह से शेख रशीद साहब शादी नहीं करते कि कहीं कोई ऐसी औलाद ही ना पैदा हो जाए। अब ये कौन सा नया ट्रेंड शुरू हो गया है? मनाहिल के लिए इंसाफ मांगना नहीं छीनना पड़ेगा। उठो और जालिम के जिस्म में इतने छेद करो कि मरियम नवाज भी ये देखकर कुर्सी पर उछल पड़े। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये भी देख ले जनाब, सामने बिठाकर बेइज्जत करने का मजा ही अलग होता है। ये भाई साहब तो शदीद तपे हुए हैं। ये लेजेंड तो डगी भाई को सामने बिठाकर फैमिली विलागर को पेल रहा है। फैमिलीज ते अपनी माये ते अपनी धने ते कोई प्राइवेसी नहीं, ते कैमरा पकड़ के मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं टट्टी करने जा रहा हूँ, मैं ये लाख दिन लड़ जाते ब्लॉगिंग पे जिधर इज्जत नफ्स का सवाल नहीं आता। शर्फ कौन सी इंटरटेनमेंट किए तुम लोगों ने? नंबर वन डॉगले डड्डू चार्जर, क्या टैलेंट है तुम लोग का? हाँ शॉर्ट निकाल के डांस कर लिया, जैद अली ने लड़की का कॉस्ट्यूम पहन के फैन ले ली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों आजकल के चोर भी बड़े होशियार हो गए, वो मोबाइल के साथ साथ कुछ और भी मांग लेते हैं। और वो मेरा बैग ले गया चोर, उसने यहाँ पे गन रखी। क्या क्या बोला तूने? यहाँ पे गन रखी। चलो चलो चलो। और फिर मैंने अपना फोन फेंक दिया था ना साथ में, तो मैंने कहा मैं मेरा मोबाइल नहीं लेके जाए। अब उसको पता चल गया कि बैग में तो मोबाइल नहीं, और इसने मुझे कुछ और भी नहीं दे रही, तो कहता मोबाइल दो। वो वहाँ पे दो कुछ और भी नहीं दे रही। क्या मतलब? रुको जरा, सब्र करो। मतलब कि उसका भी नंबर दे दे, उसका भी नहीं। इसी तरह सारा बाजी को ही देख लेते हैं। एक्टिंग तक तो ठीक था, ये टैलेंट छुपा रहता तो ही अच्छा था। ये तो अजीब और गरीब किस्म की आवाजें निकाल रही है। Oh, oh, oh,
तू समझा? What will my daddy say? Oh, oh, oh. अरे कहना क्या चाहते हो? लो जी दोस्तों, कुछ फैंस तो बेगैरती पर ही उतर आते हैं। ये नमूना फैन मुनव्वर फारूकी को बाप बनाने पर तुला हुआ है। मुनव्वर भाई, मेरी चारों बहन से शादी कर लो। अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। हमारे ड्रामे के फनकार भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। क्या मांगा मेरे लिए? हिदायत। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत ही आसान काम है। बस आपने ये वाली हरकतें करनी है और वायरल हो जाना है। चलो मैं जा रही हूँ बुलाने। यहाँ पर लड़की को देखते ही चाचा की काम पे टांग गई है। वैसे चाचा को रेस्ट करना चाहिए, वरना ये रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। मैंने उसे उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। हाय हाय। यही नहीं दोस्तों, कभी कभार लाइव कैमरे पर शूटिंग के दौरान ऐसा भी हो जाता है, लोग अपना पर्सनल गुस्सा यहाँ पर निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमारी यूथ तो कुछ ज्यादा ही तरसी हुई है। अब जरा इसे ही देख लेते हैं। इस बेचारे के साथ तो मोए मोए हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब जरा इनको भी देख लेते हैं। आजकल के बर्गर बच्चों की लड़ाइयां भी बर्गर की तरह ही होती है। इनको लड़ने के लिए भी एक्टिंग की जरूरत होती है। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, याद रख मेरी बात। मुझे तो शो में भी नहीं रहना, सारे में जा रहा हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। कभी कभार तो आपको ऐसे लोग भी टक्कर जाते हैं। अच्छा ये बताओ, खड़ा होता है ये? खड़ा होता कि नहीं होता? खड़ा करो, खड़ा करिए इसको। नहीं नहीं छोड़ रहे, क्या मांग रहे हो? होता खड़ा क्यों नहीं होता करके दिखाओ ना। मैंने इसका थोड़ी बोला, हाथ तो लगा लो, खड़ा होगा नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।